माताओं और बहनों को योनि बाहर निकल आता है, उसको हम योनि भ्रंश आयुर्वेद में बोला जाता है। पूरा जो यूट्रस है वो बाहर निकल आती है। उस स्थिति में बहुत उनको परेशानी होती है, बहुत ही ज़्यादा। हालांकि बहुत ज़्यादा इस तरह की स्थिति बढ़ने के बाद में अच्छा है कि आप सर्जरी करा लें। यदि बहुत ज़्यादा योनि भ्रंश की शिकायत है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी है, तो आप देर ना करते हुए किसी अच्छे जो सर्जन हैं, गायनोकोलॉजिस्ट हैं, उनको दिखा करके आप इसकी शल्य क्रिया करा लें। फिर भी यदि शुरुआत है, स्टार्टिंग है और बहुत योनि फैली हुई है, तो उस स्थिति में आपके लिए ये लाजवंती बहुत ही कारगर हो सकता है। जिन मेरी माताओं और बहनों को योनि भ्रंश की शिकायत है, इस लाजवंती के पत्तियों को पीस करके डेली के रुई के फावा से योनि को धोएं, योनि हो जाएगी सख्त और योनि जो बाहर निकलती है वो हो जाएगी बंद। बहुत ही अच्छा प्रयोग है इसके लिए, बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। इसके अलावा जिनको दस्त हो रहे हों, ब्लीडिंग हो रही हो, तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी, रक्तातिसार के लिए भी आप इसको काढ़ा बना करके आप सेवन करेंगे तो आपके जो दस्त है, जो ब्लीडिंग है, वो जाएगी रुक। बहुत ही अच्छा इसका यह प्रयोग है। जिनको ग्वाटर है, गंडमाला है, गंडमाला के लिए भी यदि आप उसको पीस करके लेप लगा लेते हैं तो धीरे धीरे वो ग्वाटर, गंडमाला बैठनी शुरू हो जाती है। तो बहुत ही अच्छा प्रयोग है यह गांठों के लिए। और जिन बच्चों को टॉन्सिल्स हैं, टॉन्सिल के लिए भी, इसको खाना नहीं है, टॉन्सिल के लिए सिर्फ इसकी जड़ को पीस करके, इनके पत्तियों को पीस करके यदि लगा देते हैं गले के बाहर, यहाँ पर इस जगह पर, यदि आप नियमित रूप से उसका लेप बच्चों को लगा दीजिए, फिर आप देखेंगे कितनी भी भयानक टॉन्सिल हो, मैंने देखा कि टॉन्सिल जब बढ़ जाते हैं, फूल जाते हैं, बहुत परेशानी होती है, बहुत दर्द और कष्ट होता है। और आज तो फैशन सा ही हो गया है कि टॉन्सिल, चाहे उस कारण का हमें पता ना हो, उसकी रक्षा करना, उसके जो सदुपयोग है वह करना हमारा कर्तव्य है। तो मैं आपको बता रहा था कि टॉन्सिल के लिए इस लाजवंती के पत्तियों को पीस करके गले में लेप करने से उसमें पूरा आपको मिलेगा लाभ। तो ये लाजवंती आपके विविध रोगों को, विविध परेशानियों को दूर करने में सक्षम है।